हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मि कॉमन टॉपिक। और आज मैं आपके लिए फिर से एक मेकअप का लुक क्रिएट करने वाली हूँ। मैं सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स अपना मेकअप क्रिएट करूँगी आज। और मैंने फिलहाल अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है, मैंने जस्ट शैम्पू किया है, नहाया है और मैं आगे शूट करने के लिए बैठ गई हूँ। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहले तो मैं आपको अपने प्रोडक्ट दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ करने वाली हूँ। तो आज मैं ये यूज़ करूँगी, ये क्रीमी रोमांटिक ब्यूटी स्टिक है एज अ फाउंडेशन, एज अ कंसीलर आप इसे यूज़ कर सकते हो। इसे मैंने लोकल मार्केट से लिया था, ये मुझे 150 समथिंग में मिला था। अभी तक मैंने इसे यूज़ नहीं किया है। मेरा शेड 02 है, तो अच्छा मैं आपके सामने इसे यूज़ करूँ तो मैं इसे एज अ फाउंडेशन ही यूज़ करूँगी। फाउंडेशन मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। देखते हैं कैसा वर्क करता है, मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से कुछ ऐसा है और इसका ये देखिए मेरी स्किन टोन से है ये मैच। मेरा शेड 02 है। और सेकेंड प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी हाइलाइटर, सिक्स ब्यूटी का हाइलाइटर है। देन काजल एंड लैक्मे की लिपस्टिक यूज़ करूँगी मैं, शेड 20 मेरा शेड है लिपस्टिक का। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ अपना वीडियो, अपना मेकअप। आई होप आज का मेकअप आपको पसंद आएगा। मैं सब अपने फेस पे लगा रही हूँ, बहुत क्रीमी फॉर्म में है ये, तो मैं लाइट ही इसे लगाऊंगी फिलहाल। तो काफी अच्छा है इसका। इसे मैं ब्लेंड कर लूंगी स्पॉन्ज की हेल्प से। काफी इजीली ब्लेंड हो रहा है। बहुत अच्छे से ब्लेंड हुआ है। फिलहाल तो ये बहुत वाइट दिख रहा है मेरी स्किन पे, हो सकता है कुछ देर बाद सेट हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है इसे। हमें लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रहे हैं। बहुत वाइट वाइट दिख रहा है फिलहाल का मेरा फेस। मैंने कॉम्पैक्ट लगा लिया है अच्छे से। मैं हाइलाइटर का यूज करूंगी। आप लोग चाहे तो हाइलाइटर एज अ आई शेडो भी यूज कर सकते हो, तो मैं यूज करूंगी एज अ आई शेडो, हल्का सा लगाऊंगी। मैं कॉपर कलर लूंगी आईज के लिए। यहाँ मैं किसी लाइनर और मस्कारा नहीं लगाऊंगी, बस सिर्फ काजल लगाऊंगी। ये मेकअप मैं बिगनर्स के लिए बता रही हूँ, जिनके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं और वो मेकअप करना चाहते हैं तो वो इन 5 प्रोडक्ट्स से अपना मेकअप क्रिएट कर सकते हैं। फिंगर की ही हेल्प से लगा रही हूँ हाइलाइटर को। मैं वाइट कलर का हाईलाइट करूँगी, वाइट कलर से अपने आईज को। सब बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए अपनी फिंगर की हेल्प से।
ये देखिए बहुत लाइट लिया मैंने, अपनी चिक्स पे भी मैं लगाऊंगी और नोज पे भी हल्का हल्का पिंक कलर का यूज कर रही हूँ मैं। वैसे ये बात तो फैक्ट है, हाइलाइटर से आपका मेकअप बहुत डिफरेंट दिखने लग जाता है। अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं लगाना चाहते हो तो आप हाइलाइटर से ही लगा सकते हो, ब्लश भी, कि हाइलाइटर में आपको कई कलर्स मिल जाते हैं, आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा कलर यूज़ कर रहे हो। ब्लेंडिंग आप बहुत अच्छे से कीजिए वरना बहुत और लगता है। तो मैं काजल का यूज कर रही हूँ, ये दिख ही नहीं रहा है, काजल लगा लिया है मैंने, देखिए फिलहाल तो मेरा फेस बहुत अजीब दिख रहा है, वाइट वाइट, देखते हैं। अब मैं लिपस्टिक लाऊंगी, मैंने लिप बाम लगा चुका था, मैंने लिपस्टिक लगा लिया है। ये लुक मैंने सिर्फ 5 प्रोडक्ट से क्रिएट किया है बिगनर्स के लिए, जो मेकअप में ज़्यादा खर्च नहीं करना पसंद करते हैं, तो ऐसा लुक वो इन प्रोडक्ट से क्रिएट कर सकते हैं। और आपको मेरा मेकअप अच्छा लग रहा होगा, आप पास से देख लीजिए। और फिलहाल मैं आपको फ्लिपकार्ट के प्रोडक्ट को भी दिखाना चाहती हूँ जो मुझे आज ही रिसीव हुआ है, तो मैं दिखाती हूँ। मैंने उससे अभी सिर्फ इतना ही मोटे ही किया था और वो लिपस्टिक, मैंने एडीएस की लिपस्टिक ऑनलाइन मंगाई थी, इसमें मुझे 12 कलर रिसीव हुए हैं। मैंने इसे अभी तक ओपन नहीं किया क्योंकि जस्ट रिसीव ही हुआ है, तो मैं आप ही के सामने से ओपन करके देखूंगी। ये देखिए इसकी पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है, देखते हैं कैसा है। वाह, ये देखिए मुझे 12 कलर मिले हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये प्रोडक्ट फिलहाल को। तो मैं इसमें से एक कलर निकाल के आपको दिखाती हूँ कैसा है ये। ये कुछ इस तरह से है, मुझे 12 कलर रिसीव हुए हैं, मैं एक कलर आपको दिखाती हूँ कोई भी निकाल के। ये देखिए वाओ, पिगमेंटेशन बहुत अच्छा है, और ये देखिए इतना प्रोडक्ट है। ADSB ब्यूटी प्रोडक्ट, ADS के प्रोडक्ट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसा नहीं है कि लोकल है ये प्रोडक्ट, ये लोकल कंपनी है, ये काफ़ी पहले से आ रहा है और इस कंपनी में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ये बनाती है। तो मेकअप के प्रोडक्ट्स जो बिगनर्स हैं वो ADS के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं, रिजनेबल रेट पे आपको मिल जाता है। आप चाहे तो ऑनलाइन मंगा लीजिए, आप चाहे तो होलसेल मार्केट से ले लीजिए या लोकल मार्केट से। मुझे ये प्रोडक्ट बहुत पसंद आते हैं, अगर किसी का बजट नहीं है तो वो ADS के प्रोडक्ट यूज़ कर सकता है, बजट में मिलते हैं। और इनका रिजल्ट बहुत अच्छा ही आया है अभी तक मुझे तो। ये प्रोडक्ट मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, मेकअप के मैं 5-6 ब्रांड यूज़ करती हूँ, एक्सपेंसिव भी और लो भी, जो बजट में हो आप क्या वैसा ले लीजिए।
तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा। अगर आपको इन लिपस्टिक का रिव्यू देखना है तो मैं आपके लिए एक और वीडियो बना दूंगी, तो मैं उसमें एक एक कलर का आपको रिव्यू दिखाऊंगी। तो आज का तो मेरा वीडियो था जो मैंने मेकअप क्रिएट किया है 5 प्रोडक्ट से बिगिनर्स के लिए था ये मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को मेरा ये लुक पसंद आया होगा। आप लोग मेरे पास से भी देख लीजिए, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो आई होप उन लोग अच्छा ही लगेगा उन लोगों को। आगे और भी अच्छी वीडियोस क्रिएट करूंगी मैं आप लोगों के लिए, हर किसी के लिए मैं वीडियो बनाऊंगी और क्रिएट करूंगी। सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा मेरा चैनल से। फ्रेंड्स, मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक लिए टेक केयर, बाय।